आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक डिफरेंट तरीके के छोले की रेसिपी, एक ट्विस्ट के साथ छोले हम बनाएंगे। नॉर्मली छोले हम घर पर बनाते ही हैं, लेकिन जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार के छोले आपके बनेंगे। तो चलिए ये चटपटे और टेस्टी छोले की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोले को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और अभी हम इसे बॉईल करेंगे। छोले को बॉईल करते वक्त हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 5 to 6 विसल तक इसे बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए छोले बॉईल हो चुके हैं, मैंने पानी इसका ड्रेन आउट नहीं किया है, थोड़ा बहुत पानी इसमें बच गया था। और ये देखिए छोले कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। इसी तरीके से हमें उबालना है। अभी एक छोटे से बोल में हम थोड़े से छोले अलग निकाल लेंगे और मैश करके रख देंगे। ये हम यूज करेंगे और इससे बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आएगा हमारे छोले में। तो बताऊंगी कब यूज करना है, इसे मैश करके हम रख लेते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। वैसे तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इवन आप किसी भी सब्जी में डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, सरसों के तेल में हम छोले बना रहे हैं और इसमें हम डालेंगे हींग थोड़ी सी। फिर डालेंगे कुछ साबुत मसाले जैसे तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, 2 लौंग, 2 काले मिर्च। ये साबुत मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इनसे छोले का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इनको भूनने के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन मैं छोले में ये सारे मसाले रखूंगी। आप जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जीरा की जगह जीरा पाउडर यूज करूंगी बाद में, इसलिए मैंने अभी जीरा नहीं डाला है। आप साबुत जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। मसाले भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है करीब 1 बड़ी प्याज बहुत बारीक चॉप करी हुई, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। आप प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज जब हल्की सी भूनने लग जाए, थोड़ी पिंकिश कलर में हो जाए, तभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन तीनों को अच्छे से भूनना है जब तक इन पर ब्राउन कलर आ जाए। वैसे आप चाहें तो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट एक साथ बनाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग भूनेंगे ना तो इनका टेस्ट और अच्छे से उभर कर आएगा छोले में। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्याज अदरक लहसुन का जो हमने यूज किया था इसमें, वो अच्छे से पक चुका है, कुक हो गया है। और अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे इस वक्त। वैसे तो हम बाद में मसाले डालते हैं, लेकिन तेल में मसाले भूनने से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो हल्दी डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और फिर इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। तो नमक हमने छोले बॉईल करते वक्त भी थोड़े से डाले थे, तो उसके हिसाब से नमक इसमें डालेंगे। इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। ये थोड़े ड्राई हो चुके हैं मसाले, जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें अभी ऐड कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब, जिससे मसाले जले नहीं। बस 1 चम्मच पानी अभी हम डालेंगे मसालों को पकाने के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है, मसाले अच्छे से हमारे भुन चुके हैं, ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है। अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 बड़े टमाटर बारीक चॉप करे हुए हैं चॉपर में। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो टमाटर के पेस्ट या फिर टमाटर बारीक कटे हुए, इनको अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल अच्छे से गल जाने चाहिए। इसके लिए मैं इसको ढककर रख देती हूँ 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसे कवर कर देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए।
अब इसमें हम ऐड करेंगे ये मैश किए हुए छोले, जो हमने थोड़े से छोले बचाकर मैश करके रखा था वो इस वक्त हम ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेना है इन मसालों में अच्छे से, इससे छोले की ग्रेवी में बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाती है छोले की और पतले पतले नहीं लगते हैं। और ट्विस्ट ये है कि हम इसको बनाएंगे दही से, तो यहाँ पे करीब आधा कप दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने, और फ्रेश दही लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे छोले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत उभर के टेस्ट आता है और छोले बहुत चटपटे बनते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और दही रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ही यूज़ करना है। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर अगर आप दही यूज़ करेंगे तो ग्रेवी में कर्डल्स आ जाएंगे, और ज़्यादा खट्टा दही लेंगे तो ग्रेवी बहुत खट्टी बनेगी, इसलिए फ्रेश दही का ही यूज़ करें। दही लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे इसमें, इसे बॉईल आने तक वेट करते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, पानी बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ छोले में, क्योंकि जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें भी थोड़ा सा पानी बचा था, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। ढक देंगे 2 मिनट के लिए, एक बॉईल आने तक वेट करते हैं। ये देखिए ग्रेवी में अच्छा खासा टेक्सचर आ चुका है, बॉईल हो रही है हमारी, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक रहे हैं और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। और ग्रेवी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहें तो छोले मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, जो पाउडर छोले मसाला आता है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा भुना हुआ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और उसका इस तरह से क्रश करके डाल देंगे ग्रेवी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें उबले हुए हमारे छोले ऐड हो जाएंगे, इसको मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि छोले अच्छे से पक जाएं। और कुछ इस तरह से देखिए छोले का टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है छोले में, और बहुत जब इसे बनाएंगे ना आप तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमारे ट्विस्ट के साथ छोले बिल्कुल रेडी हैं, नए तरह से, नए स्टाइल से। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम छोले बनाने वाले हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और ट्रस्ट मी आपको ज़रूर पसंद आएंगे, इवन आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आने पर इसको एक लाइक करें और शेयर करें ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।